जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पे आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो आपको मैंने कल जो वीडियो पोस्ट किया था उसके बारे में बताया कि रनिंग से पहले कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, और मैं आज आपको बताऊंगा रनिंग से बाद कूल डाउन एक्सरसाइज होता क्या है, किस लिए करता है, और ये एक्सरसाइज करने के फ़ायदा कौन कौन सी है। तो बेसिकली कूल डाउन एक्सरसाइज, आप जब रनिंग करके आते हो तो उसी टाइम आपको क्या होता है, बॉडी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है और आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए तैयारी नहीं होते हो। तो इसीलिए कूल डाउन एक्सरसाइज किया जाता है। कूल डाउन एक्सरसाइज करने से आपको क्या, कोई भी इंजरी का प्रॉब्लम नहीं होता। तो बेसिकली 4-5 ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें आपको कूल डाउन करने से आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए तैयारी हो जाओगे, और सुबह जब आप रनिंग करते जाओगे तो उसी टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे ही 4-5 एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, और आज मैं आपको बताता हूँ कूल डाउन एक्सरसाइज कैसे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ऐसा वीडियो मिलने के लिए। तो भाई, आप जब सुबह रनिंग ख़त्म करते हो उसी टाइम आपको क्या करना है, बैठना नहीं है, आपको टोटल 400 मीटर का 2 राउंड लेना है कूल डाउन एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। तो फास्ट आप 200 मीटर आपको क्या करना है, नॉर्मल जॉगिंग करना है, नॉर्मल स्पेस पे आप हट रहे हो, ऐसे करके हट रहे हो, उससे थोड़ा स्पीड से आपको भागना है, ऐसे करके आपको भागना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको धीरे धीरे कूल डाउन एक्सरसाइज पे जाना है, और आपको फर्स्ट में आपको झुक के नॉर्मल ऐसा एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ऐसे तरह से आपको 50 मीटर जाना है, फिर नेक्स्ट वर्कआउट पे जाना है, फिर नेक्स्ट वर्कआउट पे आपको क्या करना है, मिट्टी पे टच करना होता है, ऐसे मिट्टी पे टच करना होता है, ठीक है। तो ये वर्कआउट से आपको क्या होगा, 400 मीटर ख़त्म हो गया, फिर 400 मीटर आपको क्या करना है, ये वर्कआउट कीजिए, आपको हैंड्स को उठाना है, ठीक है। ऐसे तरीके से हैंड्स उठाए 25 मीटर, इसी तरीके से 25 मीटर क्या हुआ, 50 मीटर कंप्लीट। और आपको नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट आपको पाँव को स्ट्रेच कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसी तरीके से स्ट्रेच कर लेना चाहिए, ऐसी तरीके से स्ट्रेच कर लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसका ये हो गया टोटल कितना मीटर, 600 मीटर हो गया। आप 200 मीटर आपको क्या करना है, फिर से जॉगिंग करके आपको नेक्स्ट वर्कआउट के लिए जाना है। तो ये वर्कआउट आपको करने से नेक्स्ट वर्कआउट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप टोटली रिलैक्स फील करोगे और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए पूरा तैयारी हो जाओगे। तो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर कोई भी आपको वर्कआउट चाहिए या कोई भी ट्रेनिंग शेड्यूल चाहिए, वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपना ट्रेनिंग शेड्यूल, जो 1600 मीटर के ट्रेनिंग शेड्यूल है, बहुत ही बंदे ने बोला था कि ट्रेनिंग शेड्यूल दे दो, रोड वर्कआउट दे दो, तो मैं 1600 मीटर के ट्रेनिंग शेड्यूल पहले दूंगा, जो बिगिनर स्टेमिना इंक्रीज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे।